स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पासिंग क्राइटेरिया और हर वो कारण डिस्कस करेंगे जिससे आप टेंशन फ्री हो। आप क्लास 12th के अगर बच्चे हैं तो फुल मार्क्स आपका 100 है और पासिंग मार्क्स 33% है, यानी कि 100 में 33। सो आपकी जो 100 मार्क्स है वो थ्योरी, यानी कि कुछ पेपर 70 मार्क्स का, कुछ पेपर 80 मार्क्स का, और आपका जो प्रैक्टिकल है आइदर 30 का है और 20 का है। सो आपको इंडिविजुअली दोनों में 33% लाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में बच्चों 30 में आपको 10 लेके आना, 9.9 मींस 10, और 20 में 6.6 विच इज इक्वल टू 7, इतना लेके आना है। और आप सब जानते हो इंटरनल में आपको फुल मार्क्स मिले होंगे, 30 में 28 तो कम से कम और 20 में 18 तो मिल ही जाते हैं, बट चूंकि आप क्लास 12th के हो तो आपको थ्योरी में भी पास करना पड़ेगा 33% से। तो 70 में आपको 23 लाना जरूरी है और 80 में 26.4 विच इज 27, इतना मार्क्स आपको मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ला सकते हो आगे। नाउ लुक इन टूवर्ड्स क्लास 10th, आप क्लास 10th के अगर बच्चे हो, आपका फुल मार्क्स 100 है और पासिंग मार्क्स 33%। सो आपकी थ्योरी 80 मार्क्स की होती है और इंटरनल 20 का होता है। बच्चे आपको ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33% चाहिए, क्लास 10th को इंडिविजुअली 33% नहीं चाहिए, करेक्ट। सो 20 अगर आपका इंटरनल है तो ज्यादातर बच्चों को तो 10th में 20 आ जाता है, लेकिन लगभग 18 तो आएगा ही ना। सो 80 में अगर आप 13 to 16 मार्क्स के रेंज में ले आते हो तो आप बिल्कुल पास हो जाओ, क्योंकि आपको टोटल 100 में कितना लाना है, 33/100, ठीक है। सो आपको अलग अलग पास नहीं करना। नाउ मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे लग गई है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई पेपर इवेल्युएशन प्रोसेस जो होगा ना वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। कोई एम्बिगस क्वेश्चन होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, यानी कि कुछ एरर अगर हुआ किसी क्वेश्चन में, यू विल बी मार्क फॉर दैट। अगर सेट वाइज कोई मान लो कि किसी बच्चे का पेपर डिफिकल्ट आ गया तो ये आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। ये सीबीएसई की पॉलिसी है, मैं नहीं कह रही, ठीक है, इट्स नॉट सेट बाई मी, इट इज सेट बाई सीबीएसई। तो हर तरह की डिस्पैरिटी के लिए सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है कि बच्चों के लिए पैरिटी लाई जाए। नाउ अब हम देखते हैं कि आप टेंशन मुक्त क्यों होंगे। सबसे पहली बात, आप कोविड के बाद का पहला बैच हो तो थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग तो बनता है ना, पहली बार फुल सिलेबस आ रहा है, इजंट इट। सो फर्स्ट बैच होने का कुछ तो फायदा हो कि भाई बच्चों के साथ थोड़ा सा ये हो जाए कि लिबरल मार्किंग हो। इंटरनल मार्क्स में आपको अच्छे नंबर मिले हैं, सबको मिले हैं, सो डोंट हैव टू बॉदर। मॉडरेशन पॉलिसी मैंने आपको अभी अभी समझाया, राइट। अब आते हैं स्टेप मार्किंग। बच्चों मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 3 स्टेप में है, मैंने मान लो फर्स्ट स्टेप इसका लिख दिया, ठीक है, सेकेंड स्टेप लिख दिया, थर्ड स्टेप अगर नहीं लिखा तो अगर ये 3 मार्क्स का था तो इसका 1 मार्क्स और इसका 1 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स मुझे मिल जाएगा आउट ऑफ 3, ठीक है। तो दिस इज स्टेप मार्किंग, आपको जितने स्टेप आते हैं आप लिख दीजिए, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। अब बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट के नंबर। सीबीएसई के स्टूडेंट को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 मुझे नहीं आता, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है या कुछ भी है, मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी, उसके आसपास अगर मुझे कुछ भी आता है, नहीं भी आता है, तो क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं लिख दूंगी, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, अरे हाफ तो मिल जाएगा कम से कम। और माना कि हाफ भी टीचर नहीं दे पाया तो देखो, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलता है, टीचर कहाँ देगा आपको ग्रेस मार्क्स, ऐसे ही ऐसे आंसर्स में देगा जहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, सही हो ना हो बट लिखा है। तो यहाँ पर मान लो हाफ ना देकर के किस तरीके से 1 दे दिया 1.5 दे दिया, ताकि आप इन टोटल पास हो जाओ, क्योंकि सीबीएसई आपको फेल कराना नहीं चाहती। बेनिफिट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, एंड इफ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू विल बी अवार्डेड फुल मार्क्स। इसके अलावा इवन इफ यू लीव द स्पेस, अगर मान लो क्वेश्चन इनकरेक्ट है तब तो आप क्वेश्चन में अगर जगह भी छोड़ते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा। और थोड़ा बहुत ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना वो आपको देगा। सो इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। तो अटेम्प्ट का मतलब है कि आपको करना ही है,
और अटेम्प्ट का नंबर कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस हद तक सही है। अगर आपका आंसर इफ योर आंसर इज नॉट मच रिलेटेड तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर स्टेटमेंट के तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, लिख के देखो। देखो नहीं, आप नहीं लिखोगे तब तो नहीं मिलेगा, लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा। सो डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर एंड हिज टेम्परामेंट आल्सो। एंड इफ यू डिड नॉट, इफ यू डिड रेस्ट ऑफ द पेपर, मान लो आपने 95% लिखा है, तो ऐसे बच्चों को फिर टीच एग्जामिनर को फिर उतना वो नहीं रहता कि इनको हर जगह नंबर दे, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड गुड मार्क्स। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो 35% वाला है, 45% वाला है, इन लोगों की कॉपी चेकिंग लीनियंट होती है। यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करो, एनसीईआरटी के स्ट्रेट क्वेश्चंस करो, सॉल्व एग्जाम्पलर्स, सॉल्व पीवाईक्यूज एंड देन सॉल्व सैम्पल पेपर्स। मैंने आपके केमिस्ट्री के लिए सारे कंटेंट्स बना दिए हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बच्चे क्लास ट्वेल्थ के लिए, और जो भी फर्दर वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखो बच्चों, इसके बावजूद अगर आप एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है, कई बच्चे होते हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे ऊपर ना प्रेशर होता है, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है, अंकल का प्रेशर, आंटी का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर में बच्चे रहते हैं, तो कभी कभार घबराहट के मारे भूल जाते हैं चीज़ें। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको ये करना है बच्चे कि आप एग्ज़ाम देने जाओ, मन शांत करके जाओ, 2 से 3 बार क्वेश्चन रीड करो। माना आप घबराहट के मारे ना पहली बार लगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए, लेकिन जब आप दोबारा तिबारा पढ़ोगे क्वेश्चन को, आप समझ जाओगे कि आपको कुछ तो आ ही रहा है, क्योंकि साल भर आपने टाइम पास तो नहीं किया होगा, कुछ तो पढ़ाई होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करो ना, जो आता है उसको लिखना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग, आपको क्या लगेगा कि अरे यार मुझे कुछ, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब जो नहीं आता है ना, उसको फिर से 2-3 बार पढ़िए, आपको उसमें भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप कोरा कागज़ हो, आपको कुछ ही नहीं आता। और लास्ट में अगर आपको फिर फील आए कि चलो पास तो हो गया, लेकिन आप क्या करें जो नहीं आ रहा उसका, तो उसका क्या है, अटेम्प्ट लेना है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उसके इन एंड अराउंड कुछ तो लिख दो कि आपको नंबर मिले। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो सो दैट ही और शी कैन गेट गुड मार्क्स। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंशन रिलीज हो गई होगी, हर बच्चा पास होगा, एंड जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभार लाखों 15-16 लाख बच्चों में से कुछ बच्चे जो सोच कहते हैं फेल हो जाते हैं, तो ये बात तो है कि कुछ बच्चे फेल होते हैं, आउट ऑफ 15 लाख कुछ 1000 अगर फेल होते हैं, तो बच्चे उसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है, तो आपको फेल भी नहीं कहा जाता CBSE की तरफ से। सो इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम जो है इट इज जस्ट एन एग्जाम, 5 years लेटर आप समझोगे करिए इतना हमने क्यों टेंशन लिया, इट वॉज जस्ट अ बोर्ड एग्जाम। आपके सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, लाइव एग्जाम्पल्स, जो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, जो कि आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। सो ये सक्सेस का पैरामीटर नहीं है, बट अच्छी बात हो कि आप पास हो जाओ। अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ो ना, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप पास हो सकते हो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।